cell, you know this, this is plus 3.3 volt, okay, plus 3.3 volt, this is a common is ground, plus 5 volt, power button, this is additional, power button, plus 5 volt SB and power switch on. These three topics, power switch on, power button and this power on, power standby. What is the difference between, you understand now, power switch on ka matlab kya hai? SMPS ko start karega, on karne ke liye. There is a three type of transformer. इसके अंदर क्या होगा, तीन ट्रांसफार्मर होंगे, दो छोटे होंगे एक बड़ा होगा. छोटा एक जो है पहला, वो क्या करेगा, पावर स्विच ऑन सिग्नल्स ऑन कर देगा. ये ऑन, हाँ छोटा वाला, उसमें फैन नहीं घूमेगा, कुछ नहीं घूमेगा, सिर्फ पावर स्विच ऑन स्टार्ट हो जाएगा. और ये जब हाई का लो होगा मदरबोर्ड पे, तो ये 5 वॉट 3 वॉट ये सब चालू करेगा. ओके, तो बड़ा ट्रांसफार्मर चालू होगा. जब बड़ा ट्रांसफार्मर चालू होगा, तो बड़े ट्रांसफार्मर के बाद क्या होगा, सब तो पावर स्टेबल करेगा, 5 वॉट 3 वॉट 12 वॉट स्टेबल हो जाने का है. हो जाने के बाद फिर ये क्या करेगा, पावर ऑन सिग्नल देगा. ठीक है, पावर ऑन सिग्नल कब देगा, सब स्टेबल होगा. अगर कहीं पर 5 वॉट शॉर्ट है, 12 वॉट शॉर्ट है, या कोई भी 3.3 वॉट शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो ये ऑन नहीं होगा. और SMPS को भी ऑफ कर देगा, ऑन हो गया ऑफ हो जाता है, वो प्रॉब्लम है. ये भी हो सकता है या शॉर्टिंग भी हो सकता है. और पावर ऑन क्या है कि सर स्टेबल आउटपुट है, उसके कुछ सेकंड के बाद पावर ऑन सिग्नल चलेगा. ठीक है, डेस्कटॉप मदरबोर्ड की बात करें, ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम, दैट इज विल सी ऑन द सीआर. ओके, तो दिस इज अ पावर स्विच ऑन, ये सब उसका सिग्नल है. ये आपको देखना हो तो उसमें देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, ये इसका मतलब क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, वीआरएम के लिए स्पेशली अलग से अलर्ट करके और डायरेक्ट वीआरएम के पास ही दिया होगा. ये थोड़ा दूर कनेक्टर दिया होगा और ये क्या होगा, आपको नियरेस्ट टू वीआरएम पे ही आपको पावर दिया होगा. ओके, तो दिस इज अ वीआरएम के लिए स्पेशली अभी अलॉट किया है कि यहाँ से डायरेक्ट बाजू में ही कैपेसिटर दिया होगा और वीआरएम ऐसे भी इसके बाजू में ही कहीं आजू बाजू में दी होगी. वो क्या है कि डिले नहीं हो और पावर कंजम मतलब रेसिस्टिविटी ज़्यादा नहीं रहे. ठीक है, नेक्स्ट, ये तो पता है, कोई प्रॉब्लम तो बोलो इसमें. अब इसमें अलग अलग पावर सप्लाई है. ठीक है, +12 -12 -12 और -5 का यूज नहीं हो रहा है. +12 +5 +3 वॉट +5 वॉट स्टैंड बाय, ये सब अलग अलग मेन स्टेबल पावर है. अब यहाँ से जो है अलग अलग पावर और बना रहा है, जैसे +2.5 वॉट भी CPU का अलग से बनाएगा, DDR का अलग से बनाएगा, ये सब वोल्टेज सब डिवीजन है. रैम का अलग से जनरेट करेगा, वो सब अलग अलग इंटरनली अंदर से डिवाइड होगा. ठीक है, अब ये कलर कोड के लिए दिया है, +3.1 का SMPS का कलर कोड क्या रहेगा, वो SMPS का आपने जो देखा होगा तो उसमें कौन से कलर कैसे आते हैं वो वेरीफाई कर सकते हैं. ये तुम्हारा VCC कोड के लिए अलग से दिया है. अब इसका टोलरेंस है, कितना डिफरेंस होना चाहिए, +5 -5 होना चाहिए, कितना 5 वॉट की जगह पे 4.75 भी जा सकता है या 5.25 तक भी अप डाउन हो सकता है, उसका टोलरेंस बताया. ठीक है, +5 वॉट, ओके, क्या काम करता है स्टैंड बाई, ये स्टैंड बाई क्या चीज़ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस +5 वॉट स्टैंड बाई. तीन ट्रांसफार्मर होते हैं, एक छोटा ट्रांसफार्मर, दो होंगे, एक बड़ा होगा. बड़ा क्या होगा, जब चालू होगा, जब बड़ा ट्रांसफार्मर चलेगा, जब फैन घूमेगा, सब चीज नॉर्मल होगा. जब दो छोटे कब चालू होते हैं, जब एक तो पावर स्विच ऑन और एक स्टैंड बाय. स्टैंड बाय के टाइम पे क्या होगा, और जो छोटा ट्रांसफार्मर है वो चालू होता है और वो सिर्फ 5 वॉट SB वोल्टेज और ऑन का सिग्नल देता है. ठीक है, उसका टॉलरेंस ये रहेगा. उसमें कुछ सेक्शन को पावर सप्लाई देना पड़ता है, जैसे IO है, ऑन ऑफ स्विच है, लैन है, लैन से भी ऑन होगा, स्टैंड बाय में लैन से ऑन होगा, USB से ऑन होगा, PS2 को ऑन होगा, जिससे ऑन हो सकता है लैपटॉप, वो सबको देखो, साउंड ब्रिज, लैन चिप, ये सबको S3 स्टेट में. इसको कौन सा स्टेटस बोलते हैं, S3 स्टेटस.
ये पावर सीक्वेंस है, मैं बता रहा हूँ, ये पावर स्टेटस है, S3 पावर स्टेटस। तो ये सब अलग अलग यहाँ से पावर सप्लाई डिवीजन होता है। प्लस 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट का तो पता है आपको, 3.3 वोल्ट स्विचिंग में और स्टेप डाउन करने के लिए भी काम आता है। प्लस 5 वोल्ट भी किसी किसी को ज़्यादा रहता है, कीबोर्ड है, USB है, फ्रंट पैनल है, ये सबको अलग अलग। प्लस 5 वोल्ट है, 12 वोल्ट भी अपना अपना स्टेप डाउन, VCC कोड, ये सबको 12 वोल्ट है। और ये ड्यूल है, ये जो रैम और नॉर्थ बीच को ले जनरल आउटपुट के लिए 2.5 यूज होता है, ठीक है। ये सब वोल्टेज है दोनों जगह, ड्यूल चैनल का स्टेप डाउन भी यूज होता है और उसमें भी यूज होता है। तो ये पावर स्विच ऑन है, ये भी आपको बताया है। जब पावर सप्लाई सबमिट ये स्लो हो जाए, जब ये लो होगा तो ये स्टार्ट करेगा। क्या लो होगा? वेन पावर स्विच लो इफेक्टिव सिग्नल, वेन दिस सिग्नल इज लो देन द पावर सप्लाई सबमिट, ये सब सबमिट करेगा पावर एंड अदर वोल्टेज। एंड वेन द सिग्नल इज फुल हाई देन पावर सप्लाई स्टॉप सेटिंग का अबव। पावर स्विच ऑन जैसा हाई होगा ये सब बंद कर देगा, लो होगा हाई कब होगा? अगर इंटरनल शॉर्टिंग वॉर्टिंग कुछ प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, पावर स्विच ऑन को हाई कर देगा, ठीक है। दिस सिग्नल कैन बी डिजाइनेड यूजिंग द सॉफ्ट पावर डाउन, बराबर सॉफ्ट पावर डाउन है, ये सब इसका अपना अपना फंक्शन है, ओके। नेक्स्ट पावर ओके का काम क्या है, वो भी है। पावर ओके इज द पावर टू प्रिपेयर द ओके सिग्नल व्हेन द पावर इज सेट टू +3.3 वोल्ट एंड +5 वोल्ट एंड नॉर्मल वैल्यू रीच 95%। सब पावर स्टेबल रहा, 95% स्टेबल हो गया तो वो पावर ओके सिग्नल जनरेट करेगा, हां दिख रहा है। देखो अगर वेल बिलो 95% नॉर्मल पावर सप्लाई विल नॉट बी टू दिस सिग्नल लो, ये बंद कर देंगे, चालू नहीं करेंगे, ठीक है, ये इसका रीजन है, ओके। अब ये मदरबोर्ड का पावर टाइमिंग, पावर टाइमिंग मतलब मदरबोर्ड ऑन कैसा होता है उसका टाइमिंग होता है। नेक्स्ट इंटेल का पावर ऑफ टाइमिंग है, कैसा ऑन हो रहा है, हां पावर प्लग लगाने के बाद क्या होता है, तो पावर प्लग जैसा लगाएंगे अपने SMPS को तो क्या करेगा, ये रीसेट सिग्नल चालू होगा, वॉच से साउथ बीच को मिलता रहेगा कंटिन्यूस। जो क्लॉक है RTC रियल टाइम क्लॉक है RTC, बराबर इसको RTC रीसेट सिग्नल बोलते हैं। RTC रीसेट नंबर 3 वॉट बैटरी से पावर मिलता रहेगा साउथ बीच को, ठीक है। क्रिस्टल है 3276 फ्रीक्वेंसी ट्यूबल, ये क्या करेगा अपना फ्रीक्वेंसी साउथ बीच को सप्लाई करता रहेगा। ये प्लग इन क्या करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, +5 वोल्ट SP जनरेट होगा और 3 वोल्ट SP उसका स्टेप बाय स्टेप बताया है, ठीक है, मैं उसको स्टेप बताता हूँ। पावर ऑन ऑफ कैसा होगा, जैसा आप ऑन ऑफ स्विच दबाएंगे, देखा ये पोजीशन है ग्राफ, और ये क्या करेगा 5 वोल्ट 3 वोल्ट स्टेबल करेगा, जब भी 95 के रेशियो पे पहुंचेगा तो ये क्या करेगा पावर ओके को स्टार्ट कर रहा है, यानी ये 5 वोल्ट 3 वोल्ट यहाँ जनरेट होता है, पावर ओके उसके कुछ सेकंड के बाद जनरेट हो रहा है। जब तक ये इसकी 95% वैल्यू पे नहीं आ रहा है वहाँ तक ये जनरेट नहीं होगा, और जब ये जनरेट हो जाएगा तो यहाँ स्टेबल होगा आपका, ठीक है। ये स्टेबल होने के बाद जैसे आपने ऑफ बटन दबाया, पहले वो 5-12 वोल्ट को बंद करेगा, जब वो थोड़ा डाउन होने लगेगा 95 से नीचे जाएगा तो ये ऑटोमेटिक आपको पावर ओके सिग्नल बंद करेगा, ठीक है, ठीक है। ये इसका आउटपुट, ये इसका पावर ऑफ। अब अपने एक ये बताते हैं पावर सीक्वेंस क्या है, पावर बटन का सीक्वेंस क्या है, बटन दबाने के बाद क्या क्या होता है, टीम वर्ड मेन वॉइस ऑफ अपने उसको देखते रहेगा। अपने यहाँ से ये सर, ठीक है, ये आपका डायग्राम, ओके, दिस इज योर डायग्राम। पहले क्या होगा, द फर्स्ट थिंग यू विल गेट अ CMOS बैटरी, CMOS बैटरी का पावर मिलेगा 3 वोल्ट SPI स्टैंड बाय, ये आपको बोलो ये वन नंबर है, वहां से आपको RSM रीसेट RTC इसका रीसेट सिग्नल यहां से मिलेगा, किसको मिलेगा साउथ ब्लॉक को, कंटिन्यूस देता है IO को, यहां पर CMOS बैटरी IO पे लगाई होगी, कोई कोई ये डायरेक्ट इस पे भी लगा होता है, साउथ ब्लॉक पे भी CMOS लगा होता है, कोई वाया होके साउथ ब्लॉक पे आके रुक जाता है। नेक्स्ट ये जब यहाँ आने के बाद टूट जाता है, अब वो वेट करता है किसका, पावर बटन प्रेस करने का, ये पावर बटन प्रेस करते तो कोई नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 इस सिक्वेंस चलता है, पावर बटन दबाएंगे तो क्या होगा, एक सिग्नल जनरेट होगा और उसको वोल्टेज मिलेगा SIO, हाँ ये IO IC है, किसी में IO IC में दिया होगा, किसी में अलग से पावर IC भी दी होगी, ये IO IC से जनरेट होकर साउथ ब्रिज पर जा रहा है, देखो
पावर बटन चार नंबर, ठीक है, ये चार नंबर साउथ ईस्ट को मिल रहा है। इसी पांच नंबर के ऊपर से वर्क करके वो SUS C और SUS B सिग्नल दे रहा है आईओ को, ठीक है। ये साउथ ब्रिज देगा तो आईओ आगे फंक्शन करेगा, नहीं तो ये अगर सिग्नल साउथ ब्रिज से नहीं आएगा तो ये आगे जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। वो प्रॉब्लम होता है ना कि भाई ऐसा फेज लगाते हैं शॉर्ट करते हैं चालू नहीं होता, ये तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से पावर स्विच ऑन सिग्नल देगा इसको SIO सात नंबर। अब ये पावर स्विच जो यहाँ से हाई आ रहा है उसको क्या करेगा, वो यहाँ से जो पावर आता है उसको लो करेगा, ठीक है, ATX को शॉर्टिंग करने के बाद। अब ATX को जब ये हाई का लो हुआ होगा तो ATX क्या करेगा, 12 वाट 5 वाट 3 वाट स्टार्ट करेगा, हाँ ये विल स्टार्ट 12 वाट 5 वाट 3 वाट स्टार्ट करेगा। ये जो स्टार्ट होगा वो सबको अपने अपने हिसाब से पावर सप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सब स्टेबल हो गया तो यहाँ से ये क्या देगा, पावर ओके कौन देगा, SMBS पावर ओके देगा पावर आईसी, ठीक है, पावर ओके। अब ये पावर ओके आने के बाद सब स्टेबल हो गया, पावर ओके भी आ गया, तो आप वो छोटे छोटे सिग्नल को ऑन करेगा, रेफरेंस 2.5 वोल्ट रैम का वोल्टेज, जिसका जिसका वोल्टेज है वो 11 ठीक है, ये इनेबल करेगा 2.5 वोल्ट इनेबल करेगा, ठीक है, 11 12। अब क्या करेगा ये, अब ये दोनों स्टेबल बराबर हो गए तो क्या करेगा, सीपीयू कोर को चालू करेगा, देखो वी कोर सिग्नल कौन ऑन कराएगा, ये कराएगा A2 A2IC VCC कोर और यहाँ पर आएगा सिग्नल देखो, ओके VRM IC को VRM फंक्शन करेगा, VRM IC रूम मॉस्फेट कोयल ये सब पूरा मिला के काम करने के बाद इसको वोल्टेज देगा सीपीयू को, ठीक है, सीपीयू को वोल्टेज देगा। जब सीपीयू ओके हो गया एकदम स्टैंडर्ड चालू हो गया तो क्या करेगा, वो रिटर्न सिग्नल VRM को देगा, तो VRM इसको सिग्नल देगा वी कोर पावर टू, मतलब वी कोर स्टैंड बाई बराबर स्टेबल हो गया, वो यहाँ पर आएगा 15 नंबर, ओके। ये IC को रेफरेंस मिलेगा कि VCC कोर भी बराबर जनरेट हो गया। अब ये क्या करेगा, और एक वोल्टेज बाकी है 1.2 इनेबल, उसको करेगा 16, ठीक है, फिर ये एक सिग्नल देगा, इसको देगा 17 नंबर, दिख रहा है, देखो क्या बोलेगा, सभी पावर ओके, सब चीज बराबर है, आईओ भी ऊपर दे रहा है तो नीचे भी आईओ है, आईटी आईए पावर ऐसे अलग से दी है, ये खाली ऑन ऑफ के लिए आईओ यूज होता है और ये अलग से पावर ऐसे दी है, किसी में इसके अंदर भी ये होता है, मतलब डिपेंड ऑन योर मतलब कौन सा मतलब ये यहाँ से SB को पावर पुट देगा, ठीक है। अब SB को पावर पुट मिलने के बाद वो क्या करेगा, सबको पावर पुट सप्लाई करेगा, CPU को बोलेगा, नॉर्थ ब्रिज को बोलेगा कि सब पावर ओके हो गए। अब जब नॉर्थ ब्रिज को पावर ओके मिलेगा तो नॉर्थ ब्रिज का काम क्या है, रिसेट सिग्नल सप्लाई चालू करना, तो ये क्या करेगा, 19 देखो इसने भी इसको सप्लाई दिया 19 रिसेट, ठीक है, ये CPU को भी रिसेट दे रहा है, नॉर्थ ब्रिज CPU को देगा, ठीक है, CPU रिसेट, और यहाँ से और सब IC मेन मेन जो IC उसको रिसेट सिग्नल ये सप्लाई करेगा CPU के थ्रू, क्लॉक यहाँ से क्लॉक चालू होगा, सबको रिसेट सिग्नल मिल जाने के बाद क्या होगा, क्लॉक IC चालू हो जाने के बाद क्या होगा, अटेंडेंस BIOS, ओके, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में अटेंडेंस लगेगा, हार्ड डिस्क है, CD ROM है, फ्लॉपी है, RAM है, ये सब का चेक करेगा, और जो जहाँ पर कंपलसरी चाहिए वो चीज़ नहीं है, RAM नहीं है तो C0 पे अटक जाएगा, वो डीबग एरर कोड कौन सा बायोस है उसके ऊपर है, अवार्ड है अमी है कॉडिंग से उसको ऊपर डिपेंड करेगा, और उस हिसाब से वो वहाँ पर अटक गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा पावर सीक्वेंस एक मतलब होता है, ये दूसरा मतलब होता है, इसका भी अपना वैसा ही है, A2 A2 है, थोड़ा फंक्शन चेंज होता है, कॉन्सेप्ट एक ही है पावर सीक्वेंस, ठीक है। इसमें मेरे को ATX पावर सप्लाई दे रहा है, ऐसा नंबर नहीं दिया है, लेकिन इसमें भी जो 3 वॉट है इनको 3 वॉट SB है, यहाँ से पावर बटन है, सब अपना अपना रिसेट सिग्नल है, पावर बटन इसमें यहाँ दिया है,
हटा दिया है, पावर बटन नीचे तक कनेक्ट करा है, ऐसा नहीं साउथ की में रिपेयर करेगा, रिवर तो यार दिया है लेकिन ये रिसेट उन्होंने दिया, आरएसएम रिसेट सिग्नल नहीं दिया, अब ये क्या करता था, पावर बटन यहां देता था, फिर ये इसको सिग्नल देता था, उसको बदले क्या करा, पावर बटन साउथ की में दे दिया, तो कोई इसका काम नहीं, ये यहां से इसको देगा एसडी पावर स्विच ऑन करो, ठीक है, ये आईसी का एसडी पावर है, तो ये यहां से इसको देगा पावर स्विच ऑन, ये सबको ऑन करेगा, फिर ये एटीएच पावर बटन का सेम फंक्शन है, कांसेप्ट समझने का जा रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ दिस पावर, ये दूसरा एक मतलब बोले, ये कौन सा है, ये मतलब होता है, ये ए का, ठीक है, इसका भी अपना वही कांसेप्ट है, इसके ऐसे भी 8282 एमई है, ज्यादातर आसुस में ज्यादातर ये मतलब होता है, ये पावर इसके ज्यादातर खराब हो तो ये इसको ही बदलते हैं, इसके डिपेंड भी ज्यादा है,